अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बठिंडा पुलिस प्रशासन की ओर से आज जिले के अलग अलग गांव के साथ एक मीटिंग की गई, जो कि गांव में नशा तस्करों की सूचना और नशा करने लोगों को नशा छुड़ाओ केंद्रों में भर्ती होने के लिए जागरूक करते हैं। बठिंडा के एसएसपी, डीसी और सिविल सर्जन और अलग अलग गांव से आए लोगों से मीटिंग की और नशे को किस तरीके से रोका जाए इस बारे में लोगों के सुझाव मांगे। वहीं इस मौके पर लोग ने भी पुलिस को बताया कि उन्होंने नशा बेचने वालों की सूचना पुलिस को दी, लेकिन पर कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा और भी कई मसलों पर बातचीत की गई कि किस तरीके से पुलिस के संरक्षण में भी कई नशा तस्कर अपने कार्रवाई को अंजाम देते रहे। सभी पहलू को देखते हुए बठिंडा के एसएसपी ने यह कहा कि नशा किसी भी कीमत पर बिकने नहीं दिया जाएगा। गलबात की सुझाव ले, काफी चंगे सुझाव आए हैं। जिवें एक डेपो ने कहा कि जिहड़ा सेंटर हैगा डी एडिक्शन सेंटर वो दूर पैंदा हैगा नथाने दा, उत्थे जिहड़ा हेल्थ सेंटर उत्थे दवाई नहीं मिलती। डीसी साहब ने उत्थे जिहड़ा किया हैगा कि 2 दिन उत्थे सैक्रेटरी जाऊगा तो दवाई देगा। इस तरह के बहुत सुझाव आए हैं, मीटिंग असीं रेगुलर करांगे ताकि जिहड़ा नशा हैगा इहनूं जड़ तों खत्म किया जाए। सर, कुछ डेपो ने कहा भी असीं इनफॉरमेशन दित्ती, कार्रवाई नहीं हुई, कोई इदां दी? देखो, डेपोज क्योंकि समाज के विचों ही आते हैं, उत्थे गली महल्ले पिंड दे विच ही रह रहे हैं। असी साडी एक कमिटमेंट है कि हर इन्फॉर्मेशन नूं असी सीरीयसली लै रहे हैं। कोई भी डेपो इहो जी इन्फॉर्मेशन देगा तो उन्हें भी सीरीयसली लैके कार्रवाई की। सर, इहदे च कुछ डेपोज ने भी सवाल खड़े किए हैं, कहते भी पिंडां दे मसला है, जी असी किसी के लड़के नूं कहने भी नशा छड़ा दिओ, वह कहते जी तुसीं साडे मुंडे नूं नशेड़ी दस दिओ, कल नूं सानूं समाजिक प्रॉब्लम आ सकदी है। ਉਹ ਜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਫਿਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਰੋਲ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡੈਪੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਤ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਛੱਡੋ ਦਾ ਜੀ। देखो, नशा एक बहुत बड़ा समस्या है, इसनों दोबारा जड़ा है दसन का लोड़ नहीं हैगा। असि हूँ है कि एक्शन करन का समा है, तो मैं सारे नू बेनती करना चाहांगा कि लड़ाई अपना घर तो शुरू होगा, रिश्तेदार के बीच होगा, गली के बीच होगा, फिर बीच होना है, उस तो बाद जड़ा है शहर ते ब्लॉक ते सब डिविजन ते जिला, फिर स्टेट के बीच असि सफल हो सकते हैं। असि जिन्हें भी बंदे ड्रग्स कर रहे हैं उन्होंने जोड़ा है रीहेबिलिटेशन सेंटर और डी एडिक्शन सेंटर से लेके आ, ताकि जोड़ा है जो सप्लाई लाइन कट हों ताकि उस तरह से मातम असी नहीं बनाए और सब लोगों को जोड़ा है ट्रीटमेंट हो सके। थैंक यू। अपील न्यूज के लिए कैमरामैन कपिल शर्मा के साथ अनिल कुमार की रिपोर्ट, बठिंडा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।